माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से इनकी एक्सटेंशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनकी एक्सटेंशन हम कहां से फाइंड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे हम सीएसवी फाइल में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट को कैसे पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि इन फाइल्स की एक्सटेंशन हम कहां से मालूम कर सकते हैं। जी तो मैं अभी एक्सेल पे राइट क्लिक करता हूं और इसकी प्रॉपर्टीज को क्लिक करता हूं। प्रॉपर्टीज में टाइप ऑफ फाइल XLSM, ये इसकी एक्सटेंशन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सटेंशन है .xlsm। इसी तरह से हम पावर पॉइंट की एक्सटेंशन देख सकते हैं .ppt और हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी एक्सटेंशन इसी तरह से चेक कर सकते हैं .docx। चलिए तो अब हम इनको कन्वर्ट करते हैं सीएसवी फॉर्मेट में और पीडीएफ। दोस्तों सीएसवी स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज और पीडीएफ स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैं ओपन करूंगा। जैसे ही मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करता हूं, मेरे सामने एक शीट ओपन होगी। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मल्टीपल शीट्स होती है। अभी यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूं कि जब भी हम इसे CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो हर शीट को अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सेव करना पड़ता है। चलिए देखते हैं हम CSV फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करते हैं। फाइल पे क्लिक किया, सेव एस पे मैं क्लिक करूंगा और अपने डिजायर फोल्डर में इसे सेव कर दूंगा। CSV इसका नाम मैंने यहाँ पे टेक्स्ट किया, सेव एस। दोस्तों सेव एस पे मैं क्लिक करूंगा और इसे कन्वर्ट कर दूंगा CSV फॉर्मेट में। CSV फॉर्मेट नॉर्मली डेटाबेस से लिंक करने के लिए यूज होता है। इसको हम GIS पे एनालिसिस करने के लिए CSV फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। अभी दोस्तों जैसे हमारे सामने एक पॉपअप मैसेज आया है कि सम फीचर इज योर वर्क बुक माइट बी लॉस्ट। अभी कुछ फीचर्स जो हम यहाँ पे डिलीट हो सकते हैं, मगर ये बहुत ही मिनिमम चांसेस होते हैं कि कोई फीचर यहाँ से डिलीट हो जाए। तो मैं इसे यस पे क्लिक करूंगा आगे चलने के लिए। जैसे ही मैं यस पे क्लिक करता हूँ, उस पर्टिकुलर फोल्डर में मेरे पास एक CSV फाइल की एक्सटेंशन वाला डॉक्यूमेंट नजर आता है, CSV एक्सटेंशन। अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो वही सारा डेटा एक कन्वर्टेबल फॉर्म में CSV फॉर्म में मेरे पास यहाँ पे दिखाई देगा। दोस्तों हम इस तरह से आसानी से डेटा को CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं अभी इसे क्लोज करता हूँ। अब मैं एक पावर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ इसकी प्रेजेंटेशन पे। पावर पॉइंट नॉर्मली प्रेजेंटेशन के तौर पे यूज होती है। दोस्तों जब मैं इस प्रेजेंटेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा तो एज इट इज ये प्रेजेंटेशन मुझे एक पोर्टेबल फॉर्मेट में नजर आएगी, मगर मैं उसे चेंज नहीं कर पाऊंगा, उसमें किसी किस्म की एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा। अगेन मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, सेव एज पे क्लिक करूंगा और अपने पर्टिकुलर डिजायर फोल्डर में जाके इसको नेम दिया और सेव एज में जाके मैं इसे पीडीएफ में क्लिक कर दूंगा और सेव की ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगा। अभी आप देखेंगे विद इन 2 to 5 सेकंड मेरे पास एक नई फाइल ओपन हो जाएगी जो कि पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास ओपन होगी। अब देखिएगा ये वही प्रेजेंटेशन है जो हमें दिखाई दे रही थी इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, अब ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई है। दोस्तों इसमें देखिए आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, किसी किस्म की कोई चेंजेस आप इसमें नहीं कर सकते, जबकि मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता हूं। इसी तरह से मैं अपनी तीसरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को ओपन करता हूं, इसमें भी मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूं आपके सामने। अब मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूं, अब फिर से मैं इसे सेव करूंगा और अगेन मैं सेव एस पे क्लिक करूंगा, अपने फोल्डर में जाऊंगा पीडीएफ पे क्लिक किया। दोस्तों ये हमने नहीं भूलना, जब भी मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो सेव एस उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करूंगा।
पीडीएफ को सिलेक्ट किया, पीडीएफ में और इसे सेव एज कर दिया। अभी मेरे सामने दोबारा से ये पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन होगी। अब देखिएगा मैं इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं कर सकूंगा, जस्ट मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, और मैं इसके अलावा इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सीएसवी फाइल को इस्तेमाल करना बताऊंगा कि हम इस फाइल को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।